साधु और यमराज की कहानी। किसी गांव में एक साधु रहता था जो दिन भर लोगों को उपदेश दिया करता। उसी गांव में एक नर्तकी रहती थी जो लोगों के सामने नाचकर उनका मन बहलाया करती। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और दोनों एक साथ ही मर गए। मरने के बाद जब ये दोनों यमलोक पहुंचे तो इनके कर्मों और उनके पीछे छिपी भावनाओं के आधार पर उन्हें स्वर्ग या नरक दिए जाने की बात कही गई। साधु खुद को स्वर्ग मिलने को लेकर पूरा आश्वस्त था, वहीं नर्तकी अपने मन में ऐसा कुछ भी विचार नहीं कर रही थी। नर्तकी को सिर्फ फैसले का इंतजार था। तभी घोषणा हुई कि साधु को नर्क और नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है। इस फैसले को सुनकर साधु गुस्से से यमराज पर चिल्लाया और क्रोधित होकर पूछा, ये कैसा न्याय है महाराज? मैं जीवन भर लोगों को उपदेश दिया करता और मुझे नरक नसीब हुआ, जबकि ये स्त्री जीवन भर लोगों को रिझाने के लिए नाचती रही और इसे स्वर्ग दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? यमराज ने शांत भाव से उत्तर दिया, ये नर्तकी अपना पेट भरने के लिए नाचती थी, लेकिन इसके मन में यही भावना थी कि मैं अपनी कला को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जबकि तुम उपदेश देते हुए भी ये सोचते थे कि काश तुम्हें भी नर्तकी का नाच देखने को मिल जाता। हे साधु, तुम इस ईश्वर के इस महत्वपूर्ण संदेश को भूल गए हो कि इंसान के कर्मों से अधिक कर्म करने के पीछे की भावनाएं मायने रखती हैं। अंततः तुम्हें नर्क और नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है। दोस्तों, हम कोई भी काम करें उसे करने के पीछे की नियत साफ होनी चाहिए, अन्यथा देखने में भले लगने वाले काम भी हमें पुण्य की जगह पाप का ही भागी बना देते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।